हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक जी ने आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पतंजलि का ऐसा एक प्रोडक्ट जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और ये प्रोडक्ट है पतंजलि बादाम पाक। इसके नाम से ही पता चलता है ये बादाम पाक का मेन इंग्रेडिएंट या घटक बादाम होता है। और इसमें टेस्ट के लिए मिश्री या चीनी भी डाला हुआ होता है। ये बादाम पाक इतना टेस्टी और हेल्दी होता है कि इसे बच्चे, बूढ़े या किसी भी उम्र के लोगों को पसंद आता है। इस बादाम पाक में दूसरे बहुत सारे जड़ी बूटी भी मिलाए हुए होते हैं जो हमें हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पतंजलि बादाम पाक के फायदे, इसके स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा और ये किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये बादाम पाक हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, पतंजलि बादाम पाक कुछ इस तरह के पैक में आता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में आता है पतंजलि बादाम पाक। दोस्तों, ये 500 ग्राम का पैक है और इसका मार्केट प्राइस 250 रुपीज़ है, यानी 250 रुपये में ये आधा किलो मिल जाता है। और ये बादाम पाक का एक्सपायरी 2 साल का होता है, यानी ये पैकेजिंग डेट से 2 साल तक यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है या इसमें क्या क्या जड़ी बूटी डाले गए हैं ये भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स और जड़ी बूटियों के बारे में बाद में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। इसके डोजेस और इंडिकेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके डोजेस यानी सेवन विधि है 10 से 20 ग्राम ट्वाइस डेली विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। और इंडिकेशन यानी रोग निर्देश है पौष्टिक रसायन। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसमें क्या क्या डाला गया है इसके बारे में। दोस्तों, बादाम पाक का सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है बादाम, जो 10 ग्राम में 0.98 ग्राम यानी लगभग 1 ग्राम बादाम होता है। इसका दूसरा घटक है मिश्री, जो 10 ग्राम में लगभग 3.39 ग्राम होता है। मिश्री की वजह से ही बादाम पाक बहुत टेस्टी होता है। इन दो घटक के अलावा भी इसमें दूसरे बहुत सारे जड़ी बूटी होते हैं, जैसे केसर, जावित्री, जायफल, सौंठ या सूखी अदरक, काली मिर्च, पीपल, लौंग, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, बिदारी कंद, रस सिंदूर, अबरक भस्म, लौहा भस्म, भांग भस्म आदि। और इसमें गाय का दूध होता है लगभग 4 ग्राम और घी होता है लगभग 1 ग्राम के बराबर। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बादाम पाक के बेनिफिट्स यानी फायदे के बारे में डिटेल्स में। पहला फायदा है, ब्रेन के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है बादाम पाक। दोस्तों, हम सभी को पता है बादाम एक बहुत ही हेल्दी फूड होता है हमारे ब्रेन के लिए। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं या जिन लोगों का मेमोरी प्रॉब्लम है या छोटे बच्चे जिन लोगों का ब्रेन ग्रोथ हो रहा है, उन लोगों के लिए बादाम पाक एक बहुत ही अच्छा हेल्थ टॉनिक है। बादाम पाक का दूसरा फायदा है वेट गेन के लिए। जिन लोगों का वजन बहुत ही कम रहता है या जो लोग अंडर वेट रहते हैं, उन लोगों के लिए बादाम पाक एक बहुत ही अच्छा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है। ये बादाम पाक बिना साइड इफेक्ट करे वजन को बढ़ाने में कारगर माना जाता है। ये वजन बढ़ाने के साथ साथ शरीर के दूसरे कमियों को भी दूर करता है। बादाम पाक बॉडी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी तो मानो हमेशा बनी ही रहती है। ऐसे लोगों के लिए बादाम पाक बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति देता है। इसका अगला फायदा है, जल्दी भूलने की समस्या को दूर करता है बादाम पाक। जिन लोगों का ब्रेन पावर कमजोर होता है या जो लोग चीजें बहुत जल्दी जल्दी भूला करते हैं या जिन लोगों का माइग्रेन या सर दर्द की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है बादाम पाक। अगला फायदा है, शारीरिक कमजोरियों को दूर करता है बादाम पाक। दोस्तों, बादाम पाक में डाले गए जड़ी बूटी और घटक सभी तरह के शारीरिक कमजोरियों को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी परेशानियों को जड़ से नाश करता है। इसके साथ साथ बादाम हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है और विटामिन्स और मिनरल्स की कमियों को भी दूर करता है। बादाम पाक पौष्टिक होने के साथ साथ शक्तिवर्धक और रोगनाशक भी होता है। इसको मेडिसिन कम हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सप्लीमेंट शरीर के सभी तरह के कमियों को दूर करता है और एक चुस्त, दुरुस्त और रोग मुक्त शरीर हमें देता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बादाम पाक किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बादाम पाक में लगभग 40% मिश्री या चीनी डाला हुआ होता है, इसीलिए जिन लोगों का डायबिटीज रोग है उन्हें यह बादाम पाक कभी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ पेट के रोगी, IBS के रोगी या जिन लोगों का पाचन शक्ति कमजोर है उन्हें भी ये बादाम पाक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी हजम नहीं होता। और जिन लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उन्हें भी बादाम पाक परहेज करना चाहिए। दोस्तों, ये बादाम पाक आप किसी भी पतंजलि स्टोर से या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक जीवन स्टोर से खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।